الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. मोहतरम बुजुर्गों, इमाम बुखारी वही के बाद अब ईमान की बातें पेश कर रहे हैं। ईमान के ताल्लुक से एक लंबी हदीस उन्होंने नकल फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने अनपढ़ों में एक पैगंबर भेजा। वो पैगंबर उनको अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाता है और उनके दिलों को पाक करता है और उनके जिस्मों को पाक करता है और उनको इल्म और हिकमत की बातें बताता है। मदीने मुनव्वरा में सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सवालात नहीं करते थे। उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि कोई बद्दू, कोई देहाती होशियार आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आपसे दीन की बातें पूछकर मालूम कर ले तो हम भी जो है वो दीन की बातें मालूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से सुनकर ज़बान से सुनकर याद कर लेंगे। तो ये उनकी ख्वाहिश होती थी। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि ऐसे ही एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। हम लोग मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ व तकरीर फरमा रहे थे कि अचानक मस्जिद नबी के दरवाजे में एक नौजवान दाखिल हुआ जो नहायत ही सफ़ेद कपड़े पहना हुआ था और उसके बाल, सर के बाल बहुत काले थे और वो नौजवान था और वो मदीने वालों में से भी नहीं था, मुखीम आदमी नहीं था और बाहर का मुसाफिर भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि सफ़र के उस पर आसार नहीं थे। वो सीधे मजलिस में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, आपके सामने बैठ गया, आपके घुटनों से घुटने मिलाया और आपकी रानों पर हाथ रखा और कहा, या मोहम्मद, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चंद सवालात आपसे करूंगा, आप उनका जवाब देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़रूर सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। तो उसने सबसे पहले यह सवाल किया कि मल ईमान, बताइए कि ईमान किसको कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान का ताल्लुक दिल से है। दिल में अल्लाह ताला के ताल्लुक से, पैगंबरों के ताल्लुक से चंद मखसूस बातों को मजबूती के साथ बिठाने का नाम ईमान है और ये ईमान छह बातों पर मुश्तमिल है। ईमान के लिए सबसे पहले दिल में ये बात बिठाना है कि इस कायनात का बनाने वाला एक है और इस कायनात को चलाने वाला अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। ये दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए फरिश्तों को पैदा फरमाया जो इंसानों को नज़र नहीं आते, अलबत्ता पैगंबरों को नज़र आते हैं। तीसरी बात ये कि अल्लाह ताला लोगों की हिदायत के लिए पैगंबरों को रवाना फरमाया और वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। चौथी बात यह कि अल्लाह ताला पैगंबरों की रहनुमाई के लिए उन पर किताबें नाज़िल फरमाया और आसमान की चार किताबें तो मशहूर हैं, सबसे पहले तौरात और दूसरे ज़बूर, तीसरे इंजील, चौथे कुरान। पांचवी बात यह है कि इंसान अच्छी और बुरी बात पर ईमान लाए, अच्छी और बुरी बात को तकदीर समझा, अपनी तकदीर।
छठी बात के वो क़यामत के दिन ईमान लाए कि ये दिन आखिरत का दिन आने वाला है और वो यकीनी दिन है। तो ये सुनकर वो साहिल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था वो कहता है सदक था या मोहम्मद आप सच कहते। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ताज्जुब करने लगे कि ये शख्स नादान होकर पूछ रहा है, उसको मालूम नहीं उसको बातें पूछ रहा है, लेकिन बातें बताने के बाद सच है या सच्ची है या झूठी इसकी तस्दीक कर रहा है। तो इससे मालूम होता है कि इन बातों को पहले से ही जानता था। खैर, फिर उस शख्स ने दूसरा सवाल किया, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि इस्लाम किसको कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पांच बातों पर अमल करने का नाम इस्लाम है। सबसे पहला ये कि आदमी कलिमा पढ़कर इस्लाम की बिल्डिंग में इस्लाम की इमारत में दाखिल हो जाए। वो कलमा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। यह कलमा पढ़ने के बाद आदमी इस्लाम में दाखिल हो जाता है। और जब एक आदमी इस्लाम में दाखिल हो गया तो उस पर पांच नमाजें फ़र्ज हैं। दूसरी बात, फिर उसके बाद रमज़ान के रोज़े उस पर फ़र्ज हैं। तीसरी बात, चौथी बात, माल की ज़कात अदा करना। पांचवीं बात, अगर इस्तेआत हो तो मैं बैतुल्लाह का हज करना। ये पांच बातें इस्लाम हैं, पांच बातों को इस्लाम कहते हैं। तो कहा सदक था आपने सच कहा। फिर उसने पूछा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए एहसान किस को कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया एहसान यह है कि आदमी ऐसी नमाज पढ़े कि वो अपनी नमाज में अल्लाह ताला को देख रहा है, या अगर अल्लाह ताला को देखने की ताकत अगर उसमें नहीं है तो ये समझे कि अल्लाह ताला उसको देख रहा है, इसको एहसान कहते हैं। फिर उसने पूछा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए क़यामत कब है। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया देखो क़यामत के बारे में तुमसे ज़्यादा मुझको इल्म नहीं है, अलबत्ता मैं उसकी अलामतें और उसकी निशानियां बता सकता हूँ। तो उसने कहा बताइए कि क़यामत की निशानियां क्या हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानी में से एक निशानी यह है कि अंतलिद अलमत रब्बता, कि औरतें अपने मालिकन को जनेंगी, यानी बेटियां अपने माओं पर हुक्म चलाएंगी। दूसरा ये कि बकरियां चराने वाले, गाय और बैल चराने, ऊँट चराने वाले, ये दूध बेचने वाले बड़े मालदार बन जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा कर लेंगे और जो है वो मालदारों में शुमार हो जाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि बकरियां चराने वाले, गाय बैल चराने वाले बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 14 मंजिला 20 मंजिला बिल्डिंगें बना लिए, यह क़यामत की निशानियों में से है। तो इतना पूछकर वह शख्स चला गया। चंद लोग उसको ढूंढने के लिए पीछे गए लेकिन गली में जाने के बाद गायब हो गया। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया उसको मेरे पास लाओ। लोग गए मगर नहीं मिला, आए बोले अल्लाह रसूल को नहीं मिल रहा, आदमी कहाँ गया पता। थोड़ी देर के बाद रसूलुल्लाह सल्लम ने हजरत उमर बिन ख़त्ताब से फरमाया अरे उमर जानते हो अतदरी मनीष साहिब, क्या जानते हो कि तुम ये पूछने वाला कौन था। तो कहा अल्लाह और रसूल वाला, मुझे क्या मालूम अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा मालूम। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया हाजा जिब्राइल अताकुम लियुअल्लिमकुम दीन, ये जिब्राइल थे जो तुम्हारा दीन तुमको सिखलाने के लिए आए थे। दीन की मोटी मोटी बातें तुमको मालूम नहीं थी और तुम लोग शर्म करके मुझसे पूछते नहीं थे, तो अल्लाह ताला तुमको दीन सिखाने के लिए जिब्राइल को मेरे पास भेजा, एक साहिल की शक्ल में, एक सवाल करने वाले की शक्ल में। उसने जो बातें बताई हैं वो दीन की बुनियादी बातें हैं, दीन की इमारत, दीन की बुनियादी बातें तीन हैं, एक तो ईमान, दूसरा इस्लाम, तीसरा एहसान।
ये दीन की इन्हीं तीन बुनियादों पर दीन कायम है। और ये भी मालूम होना चाहिए कि सिर्फ कलिमा पढ़ने से आदमी मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो इस्लाम की पांच बातों पर अमल ना करे। तो ईमान मुकम्मल एक आयत एक एक इंसान मुकम्मल मोमिन बनने के लिए सबसे पहले छह बातों को दिल में बिठाए, उसके बाद इस्लाम के पांच बातों पर अमल करे, वही सच्चा और पक्का मुसलमान है। और ऐसा ही शख्स क़यामत के दिन कामयाब होने वाला है। बाद लोग कहते हैं कि सिर्फ ईमान लाने से अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, इंसान को इंसान से नहीं पूछेगा, लेकिन इमाम बुखारी फरमाते हैं कि ईमान के साथ अमल भी बहुत ज़रूरी है, और जब तक ईमान के साथ अमल ना होगा क़यामत के दिन कोई आदमी कामयाब नहीं होगा। तो हज़रत जिब्रील सलाम थे, ये हदीस हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है, और जो है इसमें सही दीन की बातों को खोल खोल कर बयान किया गया। अल्लाह ताला हमको दीन की इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।